जस्ट अभी अपनी गाड़ी के बाजू में आया और देख के मैं शॉक हूँ। इधर बात ही कर रहा हूँ कि एक्सीडेंट होएगा और ठोक देते हैं यहाँ पे। और ये पीवीआर गया पीछे, तो मैं बता दूँ दो चीज, पीवीआर और आइनॉक्स अभी मर्ज हो रहे हैं आफ्टर कोविड। बाइक वाले लोग को जाने का रास्ता दे दो भाई साहब, हमको तो छोटी भी जगह मिल जाती तो निकल जाते हैं। ये मनोज है और उसके बाजू में अभी भरत सिंह वालिया था, वो बॉडी कंपटीशन के लिए मालूम है ना आजकल ऑनलाइन कुछ, तो मैं आप लोगों को बता दूं एग्जैक्टली ये क्या था। अपना मनोज और साहिल खान का मालूम है ना, वो कुछ स्टेरॉइड ड्रग्स के रिलेटेड कुछ वो लोग का चल रहा था। मनोज, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरीज व्लॉग्स। मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, जूते पहन रहे, बाहर जा रहे, थोड़ा सा वॉक करेंगे, उर्मी को स्कूल में ड्रॉप करना है, दोनों काम कर लेते हैं। उर्मी रेडी हो रही है, मैं मेरा मोटोरोला हेलमेट को चेक कर रहा हूँ, माइक चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये नया माइक लगाया और स्पंच लगाया, पता ना पुराना वाला निकल गया था। चलो मोटोरोला करते, देखते। यहाँ पे शक्ल देखो ऐसी होती है, सुबह भागम दौड़ी होती तभी फटफट भागना है, इसके लिए बोलते ना शक्ल दिखा के हर बार गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकते। मोटोरोला करते वक्त निकलता। जस्ट अभी अपनी गाड़ी के बाजू में आया और देख के मैं शॉक हूँ, गाड़ी के ऊपर देखो क्या क्या कर दिया है। और जाना है उर्मी को छोड़ने, अभी ये बताओ ये साफ़ करने बैठूँ या उर्मी को छोड़ने जाऊँ, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम है। दूसरी चीज़, उसके ऊपर कबूतर तो है नहीं, खाली एक वायर जा रहा है, उस पर ऊपर ही बैठ के इतना सारा किया। यहाँ पे जितनी भी गाड़ी है वहाँ पे कुछ नहीं, मेरी ही गाड़ी पे किया है। अभी क्या बोलने का, इसको लक्की बोलूँ या क्या बोलूँ। कई लोग मतलब जब हम छोटे थे बचपन में तो लोग बोलते थे ऐसा कुछ होता है तो लक्की होता है। रुमाल भी है, सब कुछ है, मगर यार साफ़ सुफ़ करने का टाइम नहीं है। शे क्या, कितना कितना गंदा किया है। चलो मैं मिलता हूँ यार मोटो ब्लॉग करते वक्त। मुंबई में ये एक बड़ा लफड़ा है, बस के आजू बाजू जाओ तो देखना पड़ता है, वहाँ से कोई निकले नहीं। जैसे देखा ना अभी निकल रहे थे, अरे मुझे यहाँ जाना था बट बस आ रही थी तो यहाँ जाना पड़ा, ऐसा भी होता है। इससे पहले क्या हुआ मालूम है, दो बस थी उसके सामने से ऐसा ना तो फैमिली बोल सकते, फैमिली स्कूटर एक्टिवा पे चार जन तीन जन ऐसे बैठते ना, वैसे वाले लोग आगे जा रहे थे। मतलब गाड़ी स्लिप मारी, बस वाले ने स्लो नहीं की, तो 19-20 में भाई थोड़ा सा एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसा मत चलाओ गाड़ी यार। बस वाले लोग को जल्दी से दिखाई नहीं देते, आप इतने नीचे रहते हो, आजू बाजू में रहते हो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, थोड़ा सबर करो और फिर जाओ। ये लोग ठोक दी, देखा ऐसा होता है। इधर बात ही कर रहा हूँ कि एक्सीडेंट होएगा और ठोक देते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी क्यों खड़ी रहती है पता नहीं, रोज खड़ी रहती है, रोज देखो बाहर भी खड़ी है अंदर भी खड़ी है। तो कभी कभार ऐसे लगता है अरे इतनी सारी ट्रैफिक है, बट ट्रैफिक नहीं होती, बट ये लोग जाम कर देते हैं। देखो अभी ये बाहर निकल रहा है और इतनी गर्मी में कई लोग हुडी, देखो वहाँ पे उसने हुडी पहना हुआ है, एक लेडी थी उसने तो ग्लव्स वाउस सब कुछ पहना हुआ था और हुडी भी पहना हुआ था। मतलब इतनी गर्मी में कैसे, मैं खाली ये ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ है जिसकी वजह से बोलते ना आपको, अगर पता रहेगा मेरे पुराने व्यूअर रहेंगे तो मैं बाइक चलाता था ऐसा ब्लैक टी शर्ट पहनता हूँ, जिसकी वजह से जो भी टी शर्ट गंदा होता है या बांस मारते तो ये वाला टी शर्ट मारे, और ये निकाल दूँ तो जहाँ पे जा रहा तो फ्रेश टी शर्ट रहे। तो ये पतले में भी मुझे गर्मी लग रही है तो लोग हुडी पहन रहे हैं, ग्लव्स इतने बड़े बड़े वो पहन रहे, कैसे जम रहा है वो लोग को इतनी गर्मी में, खतरनाक गर्मी है। उर्मी कितना डिग्री गर्मी है। और ये पीवीआर गया पीछे, तो मैं बता दूँ दो चीज़, पीवीआर और आइनॉक्स अभी मर्ज हो रहे हैं आफ्टर कोविड। जो बिग बाजार था ना वो अभी रिलायंस कैप्चर कर लिया है, वो केस जीता है या नहीं जीता वो पता नहीं, बट जितने भी बिग बाजार है इंडिया में बंद करा के उसको रिनोवेशन करके रिलायंस ब्रांड आ जाएगी वहाँ पे, मतलब उसका लोगो आ जाएगा भाई रिलायंस करके। और कितना बोला तूने गर्मी कितना है, 32 डिग्री, बाप रे खतरनाक गर्मी है 32 में भी, ट्रैफिक जाम। ऐसे सिटी में स्कूटर चलाने में बहुत इरीटेट होता है, एक तो गर्मी भी है साथ में ट्रैफिक, और घर घर जो कंटिन्यू आवाज़ आती रहता है ना यार, फ्रस्ट्रेट हो जाते एकदम। इसलिए अगर आप लोगों ने देखा रहेगा मैं रात को ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, गाड़ी चलाते वक्त ना ब्रेक पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, जो कभी भी कोई भी ब्रेक मार देता है या कोई भी बीच में आ जाता है। बाइक वाले लोग को जाने का रास्ता दे दो भाई साहब, हमको तो छोटी भी जगह मिल जाती तो निकल जाते हैं, सिर्फ जगह छोड़ो। बाप रे देखो ना इतने बड़े बड़े ट्रक है यार, देख के डर लगता है उनके आजू बाजू में जाने को।
और उसकी मम्मी काफी स्लो चला रही है, जैसे निष्मा चलाती है वैसा, है ना? मम्मी जबरदस्ती चला रही है। हाँ वो तूने बोला था कुछ बैक का इश्यू है ना उनको। उसकी छोटी बहन को घुमाने लेके आते हैं। बोले ले लेके चलो। अरे मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, उर्मी के ना पाँव थोड़े दर्द दे रहे हैं। जैसे पहले एग्जांपल बताऊँ, देखो आओ करके चिल्लाई तो गाड़ी चल रही है तो थोड़ा सा बम्प आता है या कुछ भी होता है स्पीड में, तो ढाडू ढाडू झटका बैठता है तो चिल्ला रही है। तो मैंने बोला क्या हो गया, तो बोलते कल जो एक्सरसाइज की थी ना, कल से मतलब वो उसने लेग्स वर्कआउट किए थे, मतलब गार्डन में ही जो छोटे मोटे मैंने उसको सिखाए थे, तो उसके पाँव दर्द कर रहे हैं। तो उसके बाद उसको मैंने बताया था प्रोटीन पाउडर मेरा जो है वो पी ले या फिर बॉर्नविटा पी ले, जिसकी वजह से रिकवरी हो। और मैंने ना जिम के रिलेटेड पूरी वीडियो बनाई है, सप्लीमेंट वाली या डाइट वाली, तो फ्यूचर में आ जाएगी। अभी उर्मी को उतरते वक्त देखना वो कैसे उतरेगी, जैसे मैंने बोला ना उसका पाँव दर्द कर रहा है। उतर। कैसा लगा वर्कआउट करके? अभी पता चला वर्कआउट पे जो कोट आते ना पेन गेन मोटिवेशनल वाले, इसलिए आते कि ये दर्द होता है। ठीक है चल। हाँ पेट्रोल भरा लिया, उर्मी को पिकअप किया, उसको घर पे ड्रॉप करूँगा, फिर जिम जाऊँगा, लंच करूँगा, फिर बाहर जाना है। बट यहाँ पे मैं लाइव देख रहा हूँ, ये देखो ये मनोज है और उसके बाजू में अभी भरत सिंह वालिया था, वो बॉडी कंपटीशन के लिए मालूम है ना आजकल ऑनलाइन कुछ चल रहा है पंगा, उसके हिसाब से था। अभी ये लोग लाइव एंड कर रहे हैं शायद, और हम भी यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। हाँ लाइव एंड हो गया। तो मैं आप लोगों को बता दूँ एग्जैक्टली ये क्या था, अपना मनोज जो और साहिल खान का मालूम है ना, वो कुछ स्टेरॉयड ड्रग्स के रिलेटेड कुछ वो लोग का चल रहा था। मनोज भाई अपने जो ओलंपिया के लिए सिलेक्ट होने वाले हैं तो वो अपनी जान देने जाने वाले थे। फिर भरत सिंह वालिया है, बाकी बहुत सारे बॉडी बिल्डर एथलेटिक है, तो कुछ चल रहा था वो लोग का। तो सिर्फ मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है, तो वो लोग का लाइव वीडियो ऐसा चालू था तो मैं देख रहा था, तो पता चला वो लोग ने अभी सुलटा दिया बोले तो लाइक भरत सिंह वालिया ने कुछ ऑनलाइन ऐसे माफ़ी मांग दी, बाद में जो भी कार्यकर्ता थे वो लोग ने ऐसा बोला ठीक है ओके नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, और पर ये माफ़ कर दिया उनको। तो मुझे कुछ इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट देख रहा था कि क्या होता है करके, तो ये भी एक ऐसा होता है तो देख लिया मैंने कि। और आप लोग वो भी बताया ऐसा भी कुछ बॉडी बिल्डिंग में चल रहा था। अभी उर्मी को घर पे ड्रॉप करता हूँ, जिम जाना है, खाना पीना खाना है। शायद वो वीडियो में नहीं बता हुआ क्योंकि पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यू वही दिखा रहा हूँ ना, तो आज फटफट वो सब कर लूँगा और सीधा निकलता हूँ मैं मेरे काम पे, तो वहाँ पे ही मिलता हूँ। लोकेशन डाल रहा हूँ क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त लोकेशन नहीं डाल सकता, तो जहाँ पे जाना है उसका लोकेशन डाल दूँ तो क्या सीधा पहुँच जाओ ना उसी जगह पे। सो 10 किलोमीटर 29 मिनट दिखा रहा है, स्टार्ट कर देते हैं। गूगल का भी ये कुछ नया ऐसा सिस्टम आया, समझ में नहीं आता है। ये देखो ना यहाँ से ऐसे आना चाहिए तो ये उल्टा आ रहा है, रीसेंटर भी करेंगे तो भी क्या यार, गूगल वाले भाई साहब अपडेट करो कुछ। जो मंजिल थी वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। गूगल मैप का थोड़ा सहारा रहता है राइट लेफ्ट मारने के लिए, बाकी तो ऑलमोस्ट सब रास्ते पता ही है यहाँ के। पार्किंग मिल जाए मेन बात सिटी में, इसलिए मैं हमेशा टू व्हीलर लेके घूमता हूँ कि पार्किंग मिल जाए इजीली, वरना बोलते ना मुंबई में यार पार्किंग नहीं मिलती।